इस्तीफे के बाद क्या बोले संतोष, बताया क्यों दिया इस्तीफा, हमको क्यों बताया खतरा। बिहार में नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के चीफ जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसी खबरें थी कि 23 जून को पटना में होने वाली बैठक में जीतनराम मांझी को आमंत्रित नहीं किया गया, इसीलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब पूरे मामले पर संतोष कुमार ने मीडिया में अपनी बात रखते हुए कहा कि उनकी पार्टी के अस्तित्व को खतरा था, लिहाजा उन्होंने इस्तीफा दे दिया। महागठबंधन में रहने के सवाल पर संतोष ने कहा कि हम महागठबंधन में रहने के लिए तैयार हैं। देखिए, गवर्नर की बात तो बहुत पहले भी हुई है, ऐसी बातें आप चलाते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि गवर्नर की बात हुई थी। हम एक लाइन में आपको कहना चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी के अस्तित्व जो है उस खतरे में था, उसको बचाने के लिए हमने काम किया। आपकी पार्टी को मर्जर करने का प्रस्ताव ये पहली बार नहीं था, इसके पहले भी जितना मांझी से मिलकर जब मुलाकात हुई नीतीश कुमार की, तो उस वक्त भी हुआ था। आज इस बार ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि नहीं? देखिए, हम एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि इस जंगल में बहुत तरह के लोग रहते हैं, शेर भी रहते हैं, छोटे जानवर भी रहते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश किया जाता है, सब बच जाता है, हिरन भी बच के निकल जाता है। हम लोग बच रहे थे आज तक, आज ऐसा लगा कि नहीं बच पाएंगे, इसलिए अलग हो गया। एनडीए में जाने की तैयारी है? अरे एनडीए में जाने की तैयारी है? 23 तारीख की जो बैठक होगी आपको अरे जब हम आप सबको पता है कि हम लोग को बुलाया ही नहीं गया, हम लोग का पार्टी का अस्तित्व को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा था, कहाँ से बैठक में बुलाया जाएगा? देखिए, वो आपका विषय है, आप क्या सोचते हैं। अभी हम लोग ने ऐसी कोई हमारी बातचीत किसी से नहीं हो रही है, हम कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट पार्टी, हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए सोचेंगे। हम तो अभी ऐसा नहीं सोच रहे, हम महागठबंधन में आज भी रहना चाहते हैं। लेकिन संतोष जी, जी निश्चित तौर पर इस्तीफा देने से पहले नीतीश जी से हमारे सारे माननीय विधायकों की भी बात हुई है, उससे पहले हमारी पर्सनल मीटिंग भी हुई है, उसके बाद भी हम लोग मिलते रहे हैं, और माननीय विजय चौधरी जी से भी मुलाकात होती रही है। कई एक राउंड की बात हुई है, एक दिन की बात नहीं है। हमने बोला ना कि हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए हम जंगल से निकल गए, शेर से बच गए। तो लंबे समय से आपको पता था, अगर आपका इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो उसका मतलब तो यही हुआ कि आप महागठबंधन से बाहर हो गए। देखिए, इस्तीफा मांगा गया और दिया गया दो विषय। हम कह रहे हैं कि हमारा अस्तित्व खतरे में, अगर कोई हमको कहे कि आप विलय कर जाइए, तो मेरे पास क्या उपाय है, क्या ऑप्शन है, आप क्या करते हैं मेरे जगह पर रहते? तो ये मांगने का और दबाव का नहीं है। आपको बता दें कि 2024 में मोदी को हराने के लिए नीतीश कुमार लगातार विपक्ष के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इसी को देखते हुए सभी विपक्षी दलों को एक सूत्र में पिरोने के लिए पटना में एक बैठक होने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सभी विपक्षी दल मिलकर रणनीति बनाएंगे कि कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के विजय रथ को रोका जाए। लेकिन उस बैठक से पहले मांझी के बेटे का इस्तीफा नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ा सकता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।